अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं, एक बार सेवा का मौका। हेलो चेक, नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आवास पे। आप देख सकते हैं यह नया किला का स्थित उनका आवास है और यहां पे पहुंचे हुए हैं पूर्व मंत्री अखलाक अहमद, उनके साथ कई पूर्व विधायक हैं। कई बताया जा रहा है कि JDU के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। टीका खान भी शेर घाटी से आए हुए हैं। तमाम उनके साथ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच करके ओसामा साहब से मिले हैं। लगातार आपको बताते चले कि मिलने वालों का जो तांता है वो लगातार यहाँ पर जुटा जो यहाँ पे लोग जुट रहे हैं और ओसामा साहब से मिल रहे हैं। तमाम तरह की प्लानिंग भी हो रही है लेकिन चर्चाओं का बाजार कई तरह की गर्म है लेकिन अभी कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल है। आपको बताते चले कि आज एक तरफ रईस खान का काफिला निकला था और दूसरे तरफ तमाम लोग यहाँ पर आए ओसामा साहब से मिलने के लिए। मतीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग उनके साथ थे जो चीफ गेस्ट के तौर पर बाहर से लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, कौन कौन से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर ओसामा साहब से मिलने के लिए? देखिए, JDU से हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब हैं, डॉक्टर इजहार साहब हैं और भी कई लोग जो है वहाँ JDU की कमेटी से वहाँ प्रदेश से भेजे गए आए हैं इनसे मिलने के लिए। तो ये मतलब कि हम सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे या फिर और भी कहीं जाने का कार्यक्रम है? नहीं, और भी जो लोग जो है मिलने जुलने का कार्यक्रम इसलिए है कि जो कार्यकर्ता लोग हैं या जो लोग इनके सगे संबंधी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, आए हैं इसी सिलसिले में मिलते हुए अपना फिर वापस जाएंगे। JDU के कौन कौन से लोग इसमें हैं? इजहार साहब हैं। अच्छा। और हमारे शादुल्लाह साहब हैं और मैं। ये कौन है सर, इजहार साहब, शादुल्लाह साहब, ये कौन है, क्या है? इजहार साहब हमारे पूर्व MLA हैं। अच्छा। JDU से ही? JDU के जी। और शादुल्लाह साहब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो क्या माना जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि JDU के लोगों का आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है, चाहे वो फातमी साहब हों या फिर MLC राधाचरण सेठ हों या फिर तमाम लोग JDU के लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्यास जो लगाई जा रही है कि JDU में जाने की जो संभावनाएँ हैं, जो चर्चा चल रही है, क्या वाकई में सही है? देखिए, लोग जो है अपने पर्सनल रिलेशन पे उनका अपना जो है शहाबुद्दीन साहब से जो लगाव था, एक व्यक्तिगत लगाव जिसको कहते हैं, है ना, और विचार सबके अलग अलग हैं। हर आदमी अपने तरीके से अपनी राजनीति करता है अपने विचार में, लेकिन विचार में और संबंध में अंतर होता है। इसी जो है संबंध में लोग मिलने जुलने आए हैं। ओसामा साहब से मुलाकात हो रही है जी? ओसामा साहब के साथ बैठे हैं लोग? हाँ, ओसामा साहब के साथ बैठे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांटने आए हैं। और बाकी तो जो है ये ऊपर की बात है। और बात बाद में जब हिना साहब हम जो है आएंगी 10 से, जो फैसला वो लोग लेंगे उन लोगों का फैसला है, क्या होगा नहीं होगा आगे की बात। अभी तो कोई इस पर जो है कोई वैसी कोई बात नहीं, आने जाने की कोई बात करने कोई नहीं आया है। बस एक जो है इंसानियत के नाते व्यक्तिगत तौर पे जो संबंध है, तो बिल्कुल आपने देखा कि मतीन अहमद थे और इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत तौर पे संबंध है। तमाम कई JDU के नेता आए हुए हैं मिलने के लिए, वो समाज साहब से मिल रहे हैं, बातें हो रही है। बातचीत होने के बाद से क्या कुछ फैसले होंगे, क्या कुछ प्लानिंग होंगी, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी हिना साहब इद्दत का जो समय होता है वो समाप्त नहीं हुआ है। जब तक इद्दत से नहीं निकलेंगी तब तक कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल होगा। हमारे सहयोगी राजा के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव, सिवान।